ऐसी खातन जो वर्क फोर्स का हिस्सा होती हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग अबाउट साइज़ ऑफ देयर फैमिली नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन वो बहुत बेहतर होती है पाकिस्तान में देखें कम उम्र की शादियाँ कितनी ज़्यादा हैं सो आई वुड यू वो हाईली टू सी एम साहिबा एज वेल एज आपकी पूरी टीम फॉर थिंकिंग ऑफ सच वंडरफुल साइंसदानों ने मरीख पर एक पुरसरार घड़ा दरियाफ्त कर लिया जब कोई बच्चा पैदा होता होगा तो उसका क्या वेट होता होगा असला के साथ मैं हूं सुबैद शारेख और मैं हूँ उम्मीद करते हैं हमारे नाजरीन हमारे हाजिन जो मैं देख रहे हैं वो बहुत अच्छे होंगे इस लिहाज से गुजरी होगी बोटियां बोटियां। बकरे की बोटी कभी गाय की बोटी कभी ऊंट की बोटी कभी दुम्बे की बोटी कभी छतरे की बोटी तो बोटियां बोटियां हर जगह भी हुई होंगी ना इसी तरह से बहुत सी बोटियां एंजॉय किया मैंने बोटियां बहुत सारी देखी जरूर हैं लेकिन मैं उनको एंजॉय अपनी

Uh, क्या कहा जाए हमारी कौम भी थोड़ी सी बेसब्री है, है कुर्बान हो तो फिर खाना ना खाया जाए खाबे ना खाया जाए ऐसा तो हो नहीं सकता हैं हमारे पास अच्छी बात आज एक ऐसी अच्छी बात आया हूं जिसमें अमल करना बहुत मुश्किल काम है ये आला आपने बताने से पहले कह दिया है पहले कह दिया है क्योंकि मैं भी शायद इस पे अमल नहीं कर पाता हूँ अपनी लाइफ के अंदर कोशिश करता हूँ कि अमल करूँ लेकिन बहुत सारे लोग हज़ारों में शायद कोई एक दो या लाखों में या दो तीन लोग इस बात पर अमल करते होंगे ये शेख सादी की बहुत खूबसूरत कोटेशन है कि जो शख्स सच में अक्लमंद है वो गुस्से की हालत में भी बुरी बात नहीं मुँह से निकालता ये एक बहुत ही मुश्किल चीज है क्योंकि जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसके मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकलती या वो अपने तरबियत अपनी तहजीब के लिहाज से अपने ब्रॉटअप के लिहाज से वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर निकालेगा चाहे अच्छा वो, वो कहा जाता है ना कि गुस्सा अक्ल को खा जाता है वो खा जाता है और इंसान का दुश्मन होता है कोई गाली देगा कोई जर्फ से गिरी भी बात करेगा कोई किरदार पे बात करेगा तो गुस्से की हालत में बुरी बात मुंह से ना निकालना ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन ये शेख सादी शादी कोटेशन है मैं जो फार्मूला अप्लाई करता हूँ और मैं ये कहता हूं कि आप लोग भी फार्मूला अप्लाई करें कि जब गुस्सा आए तो खामोश हो जाए करें और वो, दो तीन, आ, का, का वो दो तीन मिनट का का ही है, दो तीन मिनट्स के आपके हारमोन इंस्टिकेट करते हैं बॉडी के अंदर फिर उसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं तो कोशिश करें इस आदत को अपनाएं कि आप खामोश हो जाएं ताकि आपके मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकले और उल्टा सीधा निकलने का आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि आपके सामने जो रिश्ता खड़ा हुआ है वो रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है ये सोच लें आप क्योंकि तो, बहुत हम 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 लोगों में ज्यादा लोग ऐसे ही होते हैं जो उस वक्त वक्ती तौर पे जो गुस्सा कर लेते हैं लेकिन बाद में आप, आपको अफसोस हो रहा है दिल के बुरे नहीं, लेकिन नहीं, नहीं होते दिल के बुरे लोग क्यों कह दिया जो बना आपने उस पर काबू पाना चाहिए था अपना वीक पॉइंट कोशिश करें कि किसी को भी ना दे में आपके लिए मसला बने खामोश हो जाए उस वक्त या तो अपनी जगह बदल लें या खड़े हैं तो बैठ बैठ पानी का ग्लास पी लें इस तरह की जो आदतें हैं वो अडेप्ट करें तो गुस्से को इस तरह से कंट्रोल करें ना कि बस ऐसी तैसी फेर दी आपने किसी की ये आदत हम भी।, हम, भी हम भी करेंगे हम भी करेंगे कोशिश अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे तो चलते हैं अपने पहले, पहले सेगमेंट की तरफ आज के अखबार तो पहली खबर जो हम शेयर करेंगे जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में हम आपसे जिक्र करते हैं मौसम के हवाले से तो आज तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कि ईद के दिन जो के खासे गर्म मुश्किल गुजरे बहुत ईद के तीन दिन बहुत ज्यादा ही नहीं। जो है वो ईद से पहले भी दो तीन दिन, दिन हाँ भी। ये डेज जो थे वो काफ़ी मुश्किल थे लेकिन उसके बाद कल का दिन खासा खुशगवार रहा बारिश के बाद जो एक गर्मी की बहुत ज्यादा शिद्दत थी उसमें भी कमी देखने को मिली रात में भी आपने देखा कि मौसम खासा बेहतर था मेरे ख्याल ए सी

बहुत ज़्यादा लोगों को देख लोगों का रश देखने को मिला और कहीं गोलगप्पे खाए जा रहे हैं कहीं पे कहीं पे इन्जॉय किया जा रहा है सो इन्जॉयमेंट अपनी जगह करनी भी चाहिए लेकिन जी अपना ख्याल भी रखें जब शदीद गर्मी हो उस वक्त आपने एहतियात करनी है

जिनके पास वो किसी एमरजेंसी कंडीशन में हो किसी एमरजेंसी की सूरत हाल में मौजूद हो और वो उस वाई सर्विस जो 200 पॉइंट्स पे लगा दी गई है उसके आसपास मौजूद हैं तो उसका ओपन पासवर्ड है कोई पासवर्ड भी नहीं है ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल इससे कनेक्ट हो जाएगा तो आप थ्रू थ्रू व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए पुलिस को अपने साथ एंगेज कर सकते हैं इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो और पे कोई एंटरटेनमेंट एप्स वगैरह भी पता चले लोग यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं पे एंटरटेनमेंट एप्स वगैरह ये भी बताता चलूं चलू किटेनमेंट एप यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक आप इस वाई के जरिए इस्तेमाल नहीं कर सकते इस चीज की इस चीज की सहूलत इस वाईफाई में मौजूद नहीं है लेकिन आप उबर Ride और इस तरह येंगो है उबर है उबर तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से जा चुकी है भी इन ड्राइव और येगो जो है जिस तरह है, इस्तेमाल करते, तो करते हैं वो इस वाई -फाई के जरिए आप बुक करवा सकते हैं ये ये तो बहुत अच्छी ये है, बहुत अच्छी अच्छी है है कहीं पे आपको करना और आपका इंटरनेट का पैकेज खत्म हो गया आप परेशान है बैलेंस नहीं है किसी से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे सो ये एक अच्छा इनिशियटिव एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है जैसे हमने कहा कि सोशल मीडिया की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको एक्सेस करने के लिए वाईफाई की सहूलत नहीं है इसके अंदर हमने ये हमारी जो ये जो सीएम फ्री वाईफाई सर्विस है इसके अंदर

परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है क्या कारकर्दगी रही hmm. कितनी हमें वन फाइव पे कॉल्स मौसू हुई गुजशत 24 घंटे में सो लाहौर समेत पंजाब भर से हमें एक लाख सात हजार आठ सौ उन्नीस कॉल्स मौसू हुई नॉर्मली रूटीन से हट के थोड़ी ज्यादा कॉल्स हैं क्योंकि वन लैख

तो वो फिर वन फाइव का नंबर डायल कर देते हैं जिसकी वजह तो से हाँ से बाज, इस, बाज आ रहे हैं नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई भी आप लोगों के खिलाफ की जाएगी और फिर उस वक्त ना कहिएगा कि इसकी कैंपेन नहीं की और आपको पता नहीं था कि वन फाइव का एमरजेंसी नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ जरूरत के वक्त एमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल किया बिल्कुल और इसी के साथ जी सात हजार तीन सौ उनासी कॉल्स पर शहरियों को मुख्तलिफ केसेज में मदद फराहम की गई और जो हमारे सेफ सिटीज के आठ हजार के करीब कैमरा जात हैं पूरे लाहौर भर को पे नजर रखे हुए हैं सो इन कैमरास की मदद से हमारे जो वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं ट्वेंटी फोर बाई सेवन आपके लिए मौजूद हैं आठ सौ छियालीस मशकूक सरगर्मियों की उन्होंने निशानदही की इसी के साथ जो खुवात के तहफ़ के लिए विमेन सेफ्टी ऐप बनाई गई है नौ खुत को विमेन सेफ़्टी ऐप पर मदद फराम की गई इसके साथ हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा अनालसेंटर है जहाँ पर आप सेफ सी के कैमरा ख़ुद आ उसका प्लेबैक देख सकते हैं लेकिन अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हमरा सो उन केसेस में दस ऐसे केसेस हैं जिसमें पुलिस को शवाहद यानी एविडेंस दिखाए गए इसी के साथ साथ जुबैर जो हमारी क्राइम स्टॉपर सर्विस है बेहतरीन सर्विस है जिसका नंबर भी यहाँ पे अपने नाजीन से शेयर करते चले जीरो यानी जीरो सेफ सिटी ये नंबर है हमारा जिसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं और क्या ख़ासियत है क्राइम स्टॉपर सर्विस की क्राइम स्टॉपर सर्विस एक ऐसी सर्विस है तायरा जो कि सीएम पंजाब की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली पंजाब सिटी की तान से पंजाब पुलिस की ताउन से बनाई गई है और ये सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए बनाई गई है कि ऐसे क्राइम्स जो कि इतने उसमें आपको एमरजेंसी नहीं है इस तरह से बिजली को चोरी कर रहा है पानी को चोरी कर रहा है गैस को चोरी कर रहा है इतलात पतंगबाजी हो रही है मंशियात का कारोबार हो रहा है सेक्सुअल हो रहे हैं इस तरह के क्राइम्स को रिपोर्ट करने के लिए ये सर्विस इनिशिएट की गई है और इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपकी आइडेंटिटी आपकी शनाख्त को डिस्क्लोज नहीं, नहीं किया जाता आपकी शनाख्त राज में रखी जाती है यह सबसे खूबसूरत बात है इसके साथ साथ पंजाब सेफ सीरीज अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाके आप क्राइम स्टॉपर्स का जो पोर्टल है वहां पर भी वीडियो एविडेंस और पिक्चर शेयर कर सकते हैं और फिर मैं बताता चलूं कि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं होगी और एमरजेंसी के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ वन फाइव ही डायल करना है वहां पे के आप अपने को कर सकते हैं। और इसके बाद अगली क्या अगली खबर हमारे पास अफसोसनाक खबर है कि मरी में सेल्फी लेने वाले दो नौजवान दरिया में डूब गए का शौक अफसोसनाक खबर है ये सेल्फी का शौक लोगों का ये ट्रेंड बन चुका है जी सेल्फी लेनी है मोबाइल उठा लिया जी सेल्फी ले रहे हैं सेल्फी ले और आप नहीं देखते कि आप, आप किस, किस, किस आप किस खौफनाक जगह पे हैं मौजूद हैं कहाँ पर आप मौजूद हैं कहाँ पे आप खड़े हैं तो ये अफसोसनाक खबर हम बंदा आपसे शेयर कर रहे हैं बहुत अफसोस हो रहा है वो दरिया में डूब गए हैं दो नौजवान और रेस्क्यू टीमें उनकी तलाश कर रहे हैं तलाश में जारी हैं ये वाकया

करें पिक्चर्स लेनी है कोई मसाला नहीं हम आपको सेल्फी लेने से मना नहीं कर रहे लेकिन ऐसी जगह पे नहीं जिससे आपके लिए आप आसपास किसी और पर्सन के लिए कोई ख़तरा ना बने महफूज रहें आसपास के लोगों को महफूज रखें भी और इसके बाद हम शेयर करेंगे प्रोग्राम के आखिर में हमेशा गजा के हवाले से हम बात करते हैं फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है उस हवाले से जिक्र करते हैं गुज्त चौबीस घंटे में बीस फ़लस्तनी शहीद हुए हैं और अब तो ड्रॉनस के ज़रिए टैंकों के जरिए और इस तरह से जो मोहलिक हथियार हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए यानी बहुत खौफनाक तरीके से हमले किए जा रहे हैं दिन दिन ब हमलों की जो एक आ, क्या, क्या तादाद तादाद है लोगों पर जो गजा के वासी है जो फलस्तीन के वासी है उन पर जुल्म हो रहा है बरबरीयत हो रही है हम आलमी दारों से अपने प्लाट से डेली बेसिस पे रिक्वेस्ट करते हैं करते हैं कि आप लोग अपना रोल प्ले करें और इस जुल और बरबरीत को रोक दें और इसके साथ साथ बताता चलू अब तक पैंतीस हजार से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं जिसमें बच्चे और खातन छोटे बच्चे और खातन मौजूद हैं और तकरीबन की बड़ी बड़ी है।, है बड़ी तादाद है और तकरीबन पचहत्तर हजार से ज्यादा लोग जख्मी हैं इस जंग के अंदर तो ये था हमारा पहला सेगमेंट अब हमें लेना एक ब्रेक स्टे आप देख रहे हैं जी गुड मॉर्निंग सेफ सिटी और एक बार फिर से आपको करेंगे एक तो दुनिया की आबादी के हवाले से आपको पता है कि इस वक्त दुनिया की आबादी कितनी हो गई है, है वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है और पाकिस्तान की जिस तरह से वो भी मैं खाला है चौबीस करोड़ से ऊपर आबादी किन किन मसाइल को जन्म लेती है किस तरह से इशूज क्या हमारी इलिटरेसी जो है वो क्या रोल प्ले कर रही है हमारे पास कितने वसाइल हैं कितनी आबादी है किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बातें कर रही हूँ सो so, इस टॉपिक पर आज हम डिटेल में गुफ्तु करेंगे आपको बताएंगे कि बढ़ती आबादी से मसाइल हो रहे हैं क्या क्राइम भी बढ़ती आबादी से बढ़ रहा है इस पर भी हम सवाल करेंगे इस पर भी आपको जवाब देंगे हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं जी डी जी पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब मिस समन राय मैम को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और इस हवाले से तमाम सवाल के जवाब उन्हीं से लेते हैं वेरी शो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया इसका बहुत शुक्रिया थैंक यू अच्छा मेरा पहरा आपसे सवाल है कि बढ़ती आबादी के पेश नज़र मसाइल की कमी का सामना करना पड़ रहा है इस हवाले से गवर्नमेंट क्या पॉलिसियाँ अख्तियार कर रही है जिस तरह से देखा जाए तो दुनिया की बादी कितनी हो गई है पाकिस्तान की आबादी कितनी थी अब कितनी है तो क्या इस परमतली अख्तियार की जा रही है सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने आबादी जैसे अहम मौजू को आज सेलेक्ट किया और आमतौर तौर पर हम इतना गौर नहीं करते एंड वी डोंट रियली कंसिडर आर सेल्फ टू बी पार्ट ऑफ दिस बिग पॉपुलेशन लेकिन अगर हम देखें जैसे आपने शुरू में बताया कि एट बिलियन से ज़्यादा ग्लोबल पॉपुलेशन हो चुकी है एंड इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज़ लाइक जापान हो गया ये ग्रेइंग पॉपुलेशन का सामना कर रहे हैं पाकिस्तान में ये कि यूथफुल बल्ज है और हमारी बहुत अच्छी पॉपुलेशन की कंपोजिशन है तकरीबन सिक्सटी परसेंट इस वक्त पाकिस्तानी पॉपुलेशन यंगस्टर्स पर मबनी है तो ये सुनने में इसलिए बहुत इंक्रेजिंग लगता है कि किसी भी मुल्क का एक ख्वाब हो सकता है कि आपके पास एक यूथफुल पॉपुलेशन हो जिसे हम वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं बिकॉज जीरोज़ टू फोर्टी हम समझते हैं कि ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन है इसी तरह सिक्सटी ईयर्स एंड प्लस वो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आता है सो वी कैन इमेजिन कि हमारे पास तो बहुत ज़बरदस्त रिसोर्स है सो पाकिस्तान इज़ फॉर्चुनेट इन दिस सेंस लेकिन ये है कि ये वर्क फोर्स का वर्क फोर्स का हिस्सा बन रही है कि नहीं एंड आर दे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एनी प्रोडक्टिव किसी भी सेक्टर के अंदर कोई रोल ये एक देखने वाली चीज़ है तो इस वक्त आबादी की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई है कॉन्टरसेप्टिव प्रवलेंस रेट इज़ लो और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत हाई है उसको हमें थोड़ा सा नीचे लेके जाने की ज़रूरत है ताकि हम अपने मुल्क वसाइल और आबादी की ग्रोथ में कुछ बैलेंस स्ट्राइक कर सकें और ये बैलेंस माखला बहुत ज़रूरी है आगे आने वाली नस्लों के लिए भी सो so, एक ख़वान की भी एक तादाद काफ़ी बड़ी तादाद है तो आप ये क्या समझती हैं कि बींग वमेन माशा बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं बड़ी पोस्ट पर हैं रोल मॉडल हैं खातन के लिए ख़वान का निकलना और जो ख़्वीन इस काबिल हैं कैपेबल हैं कि वो अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनको घरों में बिठा दिया जाता है इस हवाले से क्या कहेंगी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी ज़रूरी है अच्छा मुझे कुछ ऐसा हो गया इस महेमे में काम करते हुए और इसकी बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है ऐसी ख़वा जो वर्क फ़ोर्स का हिस्सा होती हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग अबाउट दी साइज़ ऑफ देयर फैमिली नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन वो बहुत बेहतर होती है इन कंपैरिजन टू ऑल दो वो आर नॉट रियली वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर्स और हमने ग्लोबली भी देखा बहुत है बहुत सारे ममालिक में कि जो जड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं और जब वो फॉर्मल लेबर फोर्स का हिस्सा बनती हैं तो उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत डिफरेंट होती है आई थिंक वी रियली नीड टू सी कि खुवान अपनी सेहत को सबसे पहले सामने रखें बेशक वो वर्क फोर्स का हिस्सा हैं या वो अपने घर में बैठ के काम करी तो जो भी ख़ातिन जिनकी शादी होती है उनको अपने बच्चों को प्लान करना चाहिए सबसे पहले ख़वातन की अपनी सेहत आती है उसके बाद उनकी फैमिली आती है और अगर उनकी अपनी सेहत अच्छी होगी तो वो अपने बाकी सारे फ़राइज बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देंगी अच्छा यहाँ पे एक अमूमी तसुर पाया जाता है कि जो औरत पढ़ी लिखी तो है लेकिन अगर वो घर से बाहर है या वो का घर के काम मतलब बाहर काम कर रही है तो घर को उस तरह से टेक केयर नहीं कर पाती उनके बच्चे उतने अच्छे 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 तरीके से अच्छे अगर कहा जाए अच्छे इंसान नहीं बन पाते या अच्छी उनकी ग्रूमिंग नहीं हो पाती बनस्पत उन खुवान के जो पढ़ी लिखी तो हैं लेकिन घर पर टाइम स्पेंड करती हैं इस चीज़ को कैसे आप क्लियर करेंगी इस पर क्या कहेंगी आई थिंक अमूमी मुशाहिदा तो होता है लेकिन अगर हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्किंग वीमेन आर फार मोर डिसप्लिन एंड ऑर्गेनाइज मैं ये नहीं कह रही कि जो घर में बैठी हैं वो शायद अदरवाइज़ होंगी लेकिन चूँकि प्लान करना पड़ता है तो जिस तरह हम लोग फैमिली प्लानिंग की अगर बात कर लें तो जितनी पढ़ी लिखी खुवात फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आती हैं तो उनके नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कम होते हैं क्योंकि उनका ज़्यादा वक्त उन्होंने अपनी जॉब को भी देना है वो प्लान करती हैं तो आप कितने मुस्लिम ममालिक में भी देख लें तो जहाँ पे भी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो फॉर विमेन इज़ हायर दैन नंबर ऑफ चिल्ड्रन उनके कम होते हैं इधर वन और टू और इतना लिमिटेड ही होता है और इसके अलावा ये कि उनके बच्चों की पैदाइश में इनफ वकफा होता है तकरीबन तो तीन साल तो वो फिर अपनी सेहत को भी बहुत मुकदम रखती हैं मैं सिर्फ उस सेंस में बात कर रही थी अदरवाइज आई थिंक बल्कि मैं अभी एक केयर पे आर्टिकल पढ़ रही थी वर्क इज really उसको हम एटलीस्ट पाकिस्तान में तो वर्क भी नहीं समझतेंसिडर really कि वो भी काम कर रही है मैम बिल्कुल आपने सही कहा और इसके साथ मुझे बताएं कि रूरल एरियाज जितने भी हैं <coughs> वो उनको कैसे टारगेट करते हैं आपका महकमा और क्या क्या, -क्या चैलेंजेस फेस आते हैं आप लोगों की तरफ से काफी तो आउटरीच प्रोग्राम्स भी होते हैं तो वहाँ पे भी जाहिर कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा आपको उसको किस तरह से महकमा आपका डील करता है आई थिंक जो है हमारा डिपार्टमेंट इसको अगर आप देखें तो नाइनटीन में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स पर इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान फिर अभी चूंकि ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है सो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़ लुकिंग आफ्टर द एंटायर डिपार्टमेंट एंड द एक्सपेंडिचर तो जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स इस वक्त रन कर रहे हैं ये इंटायरली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हैं सो so, अभी जो लेटेस्ट सेंसस के मुताबिक हमारी तकरीबन सिक्सटी परसेंट पाकिस्तानी पॉपुलेशन अभी भी रूरल है और रूरल और अर्बन में बहुत फ़र्क होता है व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ़ दिस प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स और नॉर्मली वी ये के रूरल में चैलेंज पार्ट भी बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ लोकेशनस uh, तो बहुत दूर हैं और फिर लैंग्वेज uh, का बैरियर भी है और फिर उनके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो भी डिफरेंट है सो hmm. so, हमारा भी वही चैलेंज पार्ट है लाइक एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बट अच्छी बात यह कि वी हैव थाउजेंडस ऑफ आउटरीच वर्कर्स सो इट इज़ पॉसिबल कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट मेनटेन कर पाते हैं फिर वो कम्यूनिटी लेवल पर भी अपनी पब्लिक uh, रिलेशनिंग करते हैं सो मेन एवर वी हैव टू डू कैम्प्स या फिर सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के लिए आपको हर वक्त सहारा लेना पड़ता है तो कम्युनिटी में आपकी ग्रास रूट लेवल तक पेनिट्रेशन बहुत ज़रूरी है सो so, इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए अभी तो खैर वी आर लकी बिकॉज़ ऑल इमाम खतब्स ऑल ओवर पंजाब उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है नरेटिव बिल्डिंग में फिर जैसे माँ बच्चे की सेहत हो गई ब्रेस्ट फीड हो गया इसी तरह ये पोलियो की वैक्सीनेशन में एंड कोविड के दौरान भी नरेटिव uh, बिल्डिंग में बहुत ज़बरदस्त हेल्प की है तमाम जो पंजाब भर में ओलिमाज हैं उन्होंने पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ डायरेक्टली काम किया है और ये फ्यूचर में भी जारी रहेगा और इन ये बहुत अच्छे इसके फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आएंगे अच्छा न्यूबॉर्न बेबी की जो डेथ रेश, रेशो है वो भी पाकिस्तान में देखा जाता है कि वो भी ज़्यादा है इसकी क्या समझती हैं कि कॉजि क्या हैं आई थिंक इन्फेंट मोटेलिटी में नॉर्मली हम आदाद व शुमार में बात करते हैं लेकिन देखा जाए तो पंजाब में बहुत तरक्की भी हुई है और मेटर्नल मोटेलिटी इन्फेंट मोटेलिटी में वी हैव मेड अ बिग प्रोग्रेस एंड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ आर बीव नाउ लेकिन बहुत और भी करने की ज़रूरत है और इसमें मेरे ख्याल में आज के इस इंटरव्यू की वसात से आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट कि पाकिस्तान में देखें कम उम्र की शादियाँ कितनी ज़्यादा हैं एंड वी कंसिडर इट एज अ मैटर ऑफ प्राइड के जी बिल्कुल यंग एज में बच्ची का रिश्ता आ गया है एंड पेरेंट्स आर हैप्पीली गेटिंग दम मैरिड अभी लड़का और लड़की शायद उम्र के उस हिस्से में भी नहीं पहुँचे होते शादियाँ होने के बाद उनके बच्चे भी पैदा हो रहे होते हैं तो वी रियली नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल और दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि अवेयरनेस कितनी है तो बहुत सारी चीज़ें जिनको हम अपने सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के ज़रिए कोशिश करते हैं वैसे गवर्नमेंट सेक्टर में एस हमेशा एक अंडर रेटेड कॉन्सेप्ट रहता है लेकिन आई एम ग्लैड कि आज हम सेफ सिटीज़ में बैठ के ये बात कर रहे हैं क्योंकि आप भी लोगों को सेंसिटाइज करते हैं उनको अवेयरनेस के ज़रिए समझा रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐप्स आपकी जो कैम्पेन्स मैं बहुत गौर से देखती हूँ और अभी आपने जितने लेटेस्ट इनिशिएटिव्स भी लिए तो आई थिंक वुमेन की सेफ्टी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर होम्स बट हमने ये भी देखा है कि होम्स आर ग्रेजुअली बिकमिंग अनसेफ फॉर देम मैडम आपने लेटेस्ट सेफ्टी और लेटेस्ट एनी का बात किया बात की भी पंजाब सेफ सीरीज की जानिब से तो मैम हमारा एक वर्चुअल वन पुलिस सेशन है और इसके साथ साथ हमारी वुमेन सेफ़्टी ऐप है ये इनिशिएटिव टुक बाय आवर ऑनरेबल चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मे नवाज़ शरीफ मैम इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिसमें मज़लूम खातन के को तहफ़ दिया जाता है किसी भी किस्म का जुल्म या तशद उन पर हो तो उसके लिए वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन का क़्याम किया गया है ये पाकिस्तान का पहला वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन है उसके साथ साथ वुमन सेफ्टी ऐप है ये एंड्रॉयड और आयोज़ में मौजूद है इस तरह से है कि इस तरह से आप अपने साथ एक प्रोटेक्टर लेके चल रहे हैं तो इस बारे में मैम आप क्या कहेंगे इन इनिशिएटिव्स के बारे में आई थिंक uh, देखा जाए तो पाकिस्तान में ख़वा अब थोड़ा सा नंबर में कम हो गई मर्दों के नस्बत आर नॉर्मल परसेप्शन इज़ दैट प्रोबेबली वीमेन आर मोर इन नंबर बट इट्स नॉट द केस तो वीमेन और ख़ास तौर पर नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि इनको कितना प्रोटेक्शन चाहिए आई थिंक जेंडर की पिक्यूलियारिटीज़ होती हैं तो नॉर्मली जब हम जेंडर पे बात करना शुरू करते हैं तो लोग इक्वल्टी uh, और सोशल uh, मीडिया पे अजीब तरह से बस इसके मतलब फैलना शुरू हो जाती है लेकिन वी नीड टू रियलाइज़ कि हमें खुवातन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है सो आई वुड यू नो हाईली पे अट्रीब्यूट टू दी एम साहिबा एज़ वेल एज़ आपकी पूरी टीम फॉर थिंकिंग ऑफ सच वंडरफुल इनिशवस बेशक टेक्नोलॉजी ड्रिवन है लेकिन देखें स्टेट का काम होता है आपको तहफ़ का एहसास दिलाना और तकरीबन इन्हीं लाइनस पर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट काम करता है ये सिर्फ हमें परसीव करने की ज़रूरत है आर प्रोटेक्शन फॉर वमेन स्टार्स विदाउट मैसेजिंग हम उनकी सेहत की बात करते हैं फिर हम ये भी मैसेज देते हैं जो हमारी बहुत वेल लाइकड कैंपेन थी इट वाज अबाउट जेंडर वाइस कि जी आप सन प्रेफरेंस से बाहर निकलें एंड स्टार ट्रीटिंग एंड टेकिंग योर डॉटर्स इक्वली लाइक लाइक सन्स जो अगर आप सन्स को प्रोटोकॉल देते हैं ज़िंदगी में तो बेटियाँ भी उतनी कीमती हैं उतनी अनमोल हैं तो आप उनको भी उतना वैल्यूएबल समझें और अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो आप अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं और जिंदगी भर उनके साथ रहें उनको प्रोटेक्शन रहे। की फीलिंग रहनी चाहिए ये तो तो शादी हो गई हमारा लेना देना नहीं तो नहीं तुमसे ऐसा होना चाहिए ट्रस्ट मी आई थिंक जब बहुत दुनिया में चीज़ें बदली तो ये नैरेटिव भी बदलना चाहिए कि जी ये पराया धन हो गया और किन्ना ने जमिया तो किन्ना ने ले जानिया इट इज़ अ रियलिटी एवरीवन वन टू गेट मैरिड सेटल स्टार्ट अ न्यू लाइफ लेकिन ये बहुत ज़रूरी है एंड इस्पेश इन अ कंट्री लाइक आर्स यहाँ पर अपना एक सोशो कल्चरल स्ट्रक्चर बना हुआ है कि पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है सो नो वन केन टेक अस फॉर ग्रांटेड और नंबर टू पर जैसे सी एम साहिबा ख़ुद भी लेडी हैं और वो माशा बहुत पॉजिटिव स्टेप्स ले रही हैं टेक्नोलॉजी ड्रीवन इंटरवेंशनस हैं और एविडेंस बेस्ड और आई थिंक इसको हम आगे ले कर भी चलें इसी तरह जैसे हेल्थ के शोबे में भी उन्होंने बहुत इनकलाबी तब्दीलियाँ ले के आई हैं तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट तो आवाम को जाएगा और इम्पैक्ट ख़वान पर आएगा और ये भी एक तसु पाया जाता है ये सुनने में आता है कहा जाए कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो शायद क्राइम भी है इस हवाले से क्या समझती हैं कि, कि पॉपुलेशन और क्राइम का है कोई आपस में चोली दामन का साथ अच्छा नॉर्मली मैं जब भी कभी इंटरव्यू में जाऊँ तो सब इंटरव्यूज़ ऐसे शुरू होते हैं कि जी गुरबत है क्राइम है और इन्वायरमेंट ये सब पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है आई थिंक इट्स दी अदर वे राउंड आपकी इलीट्रेसी की वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ़ योर पुअर डिसीजन मेकिंग एंड देन डिसीजन मेकिंग का बहुत अमल दखल आपकी ग़ुरबत की हालत के साथ भी है आपकी मेंटल पॉवर्टी है कि आप फाइनेंशियली पुअर हैं ये बहुत डिबेट्स हैं जो डिवेलपमेंट सेक्टर में होती रहती हैं सो नॉर्मली हमारे जेहनों में जो बैठा होता है हम उसी को परपैचुएट करते हैं एंड वी डोंट रियली थिंक ट्वाइस अबाउट इट कि शायद कहीं ना कहीं हमें अपने जो तखयती और इमेजिनेशन uh, की दुनिया और जो आइडियोलॉजी की दुनिया इस्टेबलिश करके हम बैठे हैं उसको है। बाहर निकलने की बात हो रही है तो दुनिया पेपर लेस की तरफ जा रही है बहुत सारे महकमेमेंट की तरफ जा रहे हैं तो इस बारे में आपका महकमा क्या सोचता है क्या इनिशियटिव ले रहा है कि पेपर लेस इन्वा जरूरी है आई थिंक अगर तो टेक्नोलॉजी का हम देखें तो अब तो कोई भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो थोड़े से पिछले ज़माने में ही वर्किंग करे सो सेम इज़ द केस विद विदास वी हैव इंट्रोड्यूस्ड मैनी एप्स नाउ एक हमारी अभी ऐप आई है खुशी की बात हमने पी आई टी बी के ताउन से बनाई है और जैसे कि नाम से ही जाहिर है बट इट्स नॉट अबाउट किड्स इट्स अबाउट हेल्दी स्पेसिंग और हाउ कैन यू लिमिट योर फैमिली साइज एंड हाउ यू कैन स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवी रिसोर्स एंड द फैमिली और दूसरा हमारी एक ऐप है हमरा उसके भी नाम से ज़ाहिर है कि रिप्रोडक्टिव तो हेल्थ पे गाइडेंस है आपको जैसे भी गाइडेंस चाहिए आप यंगस्टर हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है तो आप इन ऐप्स को यूज़ करें आपको हर तरह की गाइडेंस जो कि बिल्कुल मुस्तित मालूम हैं वो मिलती हैं दैन वी है डैशबोर्ड एंड लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर बिकॉज पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ दोज़ यूनिक डिपार्टमेंट्स where the number of HR is not in इन टू थाउजेंड्स इट इज़ अराउंड फोर्टीन थाउजेंड आप इमेजिन करें कि हमने भी हाज़री इंश्योर करनी होती है और फिर हमने आउटपुट को मेजर करना होता है सो वी हैव लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर मेड अब तो खैर हम इंटेग्रेशन पे भी जा रहे हैं कि एक क्लिक पे आपको पूरा डेमोग्राफी का डाटा मिल जाए आपको नंबर ऑफ एलिजिबल कपल्स विद इन वन यूसी मिल जाए आपको नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ मिल जाए आपको विमेन जिन्होंने अभी आपसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कुछ services लेनी है, ऐसे लोग जिनोंने सिर्फ लेनी है, और ऐसे लोग जो सिर्फ पता करना चाहते हैं तो आप सबकी हेल्प कर, so कर तो भी कि भी। कि आपके पास कलेक्ट हो जाए इसमें बड़ा अहम किरदार है दो हजार तेईस में तो आई थिंक अब डेटा बहुत रेवोल्यूशनाइज हो गया अब आपको इसी डाटा में से नई इंफॉमेसन शिफ्ट करना बहुत आसान है और नॉर्मली अब जो हम अपने प्रोग्राम्स बना रहे हैं वो हम एविडेंस की रोशनी में बना रहे हैं सो इफ वी हैव मेल इंगेजमेंट एंड यूथ पे फोकस यूथ हब्स हम बना रहे हैं या इमाम्स जिस तरह हमारी हेल्प कर रहे हैं इमाम्स खतीब उमाम तो इस सब को हम मोनीटर uh, भी कर रहे हैं सो एम एंडी से लेके आउटपुट को मेजर करने तक और उसकी रोशनी में नई प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स की मेकिंग तक वी आर टेकिंग हेल्प फ्राम डाटा अच्छा मैम आखिर में कोई मैसेज देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से हमारी खुवान को स्पेशली या तमाम लोगों को तो वो ज़रूर दीजिएगा आई थिंक हमें फ़र्टिलिटी को डिक्लाइन करने की इस तरह ज़रूरत है कि जितने बच्चे कम होंगे आई थिंक खुतिन के पास अपना काम करने के लिए वक्त ज़्यादा होगा उनकी सेहत बहुत ज़रूरी है सो so जब भी फैमिलीज़ को प्लान करें सबसे पहले अपनी हेल्थ को ज़रूर देखें फिर एक बेबी होने के बाद एक हेल्थी स्पेसिंग की उनको ज़रूरत है एंड

और इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है क्राइम और पापुलेशन का क्या ताल्लुक़ है क्या ताल्लुक नहीं है कितना वक्फा ज़रूरी है औरत की सेहत याबी के लिए औरत की सेहत के लिए तमाम बातें इन्होंने हमें अपने इस प्रोग्राम के सेगमेंट में बताई अब हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक हमारे साथ रहिएगा स्टे विदास

हाँ, नहीं पा, ना होल समझ न आई की जो ये होल है इसका पर्पज क्या है मतलब एक चीज डिस्कवर तो उन्होंने कर ली दरिया तो कर ली लेकिन समझ नहीं आई की क्या इसका इसके अंदर क्या हो सकता है मुस्तबिल में फ्यूचर में मरीख पर पहुंचने वाले इंसान रेडिएशन से बचने के लिए इस होल के अंदर पनाह ले सकेंगे अच्छा। ये उनकी प्रोडिक्शन है उनको ऐसा लगता है कि जो आ, आ, मतलब आने वाले वक्तों में जब लोग वहाँ ज्यादा जाना अभी भी जाते हैं लोग जब बहुत ज्यादा लोग जाना शुरू हो जाएंगे मरीख पे तो वहाँ पे ना मरीख का थोड़ा सा एटमोसफियर इस किस्म का है रेडिएशन है जो कि इंसान के लिए मुजरे सेहत है खतरनाक है आपके लिए है। तो उन रेडिएशन से बचने के लिए उस होल के अंदर रहा जा सकता है वो इतना बड़ा कोई होल होगा सो अब ये उनका कहना है कि इस तरी, इस तरीके के साथ जो है वो उनकी प्रोडिक्शन है कि आने वाले वक्तों में जैसे हम पहले भी एक दिन जिक्र कर रहे थे चांद का भी कि जी ट्रैक भी बनाने की तैयारियाँ हो रही हैं कि लोग किस तरह से ट्रैवल करेंगे सो मुझे लगता है कि अब शायद मुस्तबिल करीब में कहीं ना कहीं लोग चांद और बरीक पे प्लॉट्स लेना शुरू कर देंगे सो हो सकता है कि प्री बुकिंग पहले हम मजाक करते थे हाँ दूसरे के साथ ये चीज़ें

और वो बच्चों से मुंसलिक खबर है बच्चों से मुंसलिक ऐसी खबर है की मैं तो है ना चले आपसे सवाल पूछता हूँ आपने तो मुझसे सवाल नहीं पूछा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ की नॉर्मली जब आपने भी एक चीज़ें देखी हैं जिंदगी के मामला देखे हैं और खातिन से रिलेटेड खबर है कि जब कोई बच्चा पैदा होता होगा तो उसकी उसका जैसे कहते हैं हम कि हेल्दी बच्चा है हेल्दी बच्चा माँ ने पैदा किया तो उसका क्या वेट होता होगा

जी हाँ like जी हाँ अठारह किलो, तो बहुत किलो होता है। के बच्चे को जन्म दिया है और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है कि पैदाइश के वक्त इतना भारी बच्चा पैदा हुआ है जो तकरीबन चालीस पाउंड बनता है और अच्छा। इसको कन्वर्ट करें केजीज में तो ये लगभग अठारह किलो बनता है Oh. तो और ये मैं बताता था नॉर्मली हेल्दी बच्चा है मैं कह अगर पॉंड का हिसाब लगा रहे हो सात आठ आठ नौ पॉंड का बच्चा कितने हेल्दी बच्चा है ये, ये, ये सोनावा सोनावा तो, तो हमने सोनावा हाँ। तो हमने ऐसे ही था लेकिन उसका वजन 18 किलो है और उसने अदائش के वक्त और इसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि Baby, हस्पताल नहीं, नहीं? हस्पताल के जो अमले हस्पताल का अमला जिस तरह से किंग एडवर्ड मेमोरियल हस्पताल है अच्छा। वहां के तर्जुमान ने बताया है की माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद है अच्छा कोई कोई मसला नहीं है किसी भी किस्म का न माँ को मसला है न बच्चे को मसला है और इसके साथ साथ ये भी एक खबर मैं आपको एड करता चलूँ की उसकी माँ का वेट भी ठीक ठाक था उसकी माँ का वेट था टू सेवेंटी टू के जीज दो सौ दोस्तों कह नहीं सकती मैं खुद भी वो किलो की लेकिन बड़ी भारी बरकम खातून होती हैं जो डिलीवर करती हैं बच्चे लेकिन उनके बच्चे इतने हेल्दी नहीं होते मुझे, मैं मेरे घर में अगर मेरी मदर मुझे ग्रोसरी के लिए ले जाए तो पाँच पाँच किलो के दो शॉप मैंने उठाया तो मैं ग्यारह मस होगी मेरी मतलब फाइव फाइव के जी दो हाथों में हो रहा होता So 17 kg, 18, 18 वेरी और इसके साथ साथ मैं आपको ए, आपकी मालूम में इजाफा भी करत, करता चलूँ कि इससे पहले ये रिकॉर्ड जनूबी अफ्रीका के बच्चे के पास था जिसका वजन 17 किलो था

लाइक्स दे सकते हैं हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हाँ आप हमारा शो आपको कैसा लगा क्या क्या इंप्रूवमेंट क्या क्या, क्या बेहतरी की ज़रूरत है और आपने हमें कमेंट कहाँ करना है हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स क्या है हमारा ट्विटर अकाउंट है पी एस सी सेफ सिटीज और फेसबुक अकाउंट है पंजाब सेफ सिटीज तो आप हमें लाइक करें शेयर करें हमें बताएँ हम क्या कर सकते हैं क्या इनोवेशन ला सकते हैं इसके साथ साथ मुझे और तहरा को इजाज़त दीजिए फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ तब तक अल्लाह